लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहाँ बाड़ू तू? हम तारा के खा जाएब, कच्चा चबा जाएब हम तारा के। विभीषण ओजा नहीं खे। शर्मा भी अपन कक्ष में नहीं खी। लगत आओ दोनों ओजा से भाग गई ले। ज्यादा दूर ना गई हो कि मुल्का सुर। स्वामी स्वामी हम थक गई बानी। धीरे जखा शर्मा, बस तनी दूर और तनी दूर पर श्री राम के शिविर बा, ओजा हमारा रक्षा अवश्य होगी। परंतु स्वामी ओजा श्री राम नहीं खन। परंतु बात है श्री राम के शिविर, ओजा हमने के केहू कुछ न बिगाड़ सकेला। श्री राम हमने के रक्षा अवश्य करियन। अबा स्वामी हमके बहुत डर लागत बा। श्री राम पर आस्था रखा शर्मा, आवा बैठा। हमारा साथी बोला, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु प्रभु कहाँ बानी रहुआ? राउर भक्त हनुमान रहुआ के ढूंढ रहल बा। प्रभु कृपया दर्शन दी। प्रभु रहुआ कहाँ बानी? प्रभु कृपया दर्शन दी। प्रभु कहाँ बानी रहुआ? प्रभु दर्शन दी। हनुमान अपन भक्त के दर्शन दी। प्रभु अपन भक्त के कृपया दर्शन दी। दर्शन दी हनुमान। हनुमान प्रभु हनुमान हनुमान प्रभु प्रभु तू ऐजा प्रभु रहुआ ई वेश में।
हम रवा के कहां कहां ना ढूंढनी प्रभु, परंतु रवा एजा का करत बनी? राजा राम के दायित्व के पूरा करत बनी हनुमान, प्रजा के कष्ट और विचार के उत्था लेत बनी। परंतु भक्तन की ओर से उदासीन काहे बानी? रवा के अति शीघ्र पलायन करे के होगी, रवा के हमारा साथे लंका चले के होगी, वहीं जा राउर भक्त विभीषण पर कष्ट के पहाड़ टूट पड़ल बा। परंतु भाईल का हनुमान? विभीषण जी के लंका पर असुर सेना आक्रमण कर दे ले बा, और उस सेना के नायक मुल्कासुर और ये सारा षड्यंत्र के सूत्रपात कैले बाड़न दैत्य गुरु शुक्राचार्य। चिंता ना कर हनुमान, हम विभीषण के बाल भी बाका ना होखे थे। रूपा, तू ओकरा दक्षिण दिशा में ढूंढा, हम पूरब दिशा में ढूंढता नहीं। विभीषण, तोहरा हमार हाथ से केहू ना बचा सकेला, तू कहीं भी छुपल रहा, हम तोरा ढूंढ ही ले। विभीषण शर्मा, हम तोरा कच्चा चबा जाए। का भइल विरूपा? शीघ्र हेने आवा। जय श्री राम। उ दोनों के पता चल चुकल बा, उ कुटिया में बाड़े। अच्छा, चला। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अवश्य ही कोनो देवी शक्ति इनकर रक्षा कर रहल बिया, परंतु भी भीषण, हम तोहरा जीवित ना छोड़ा। प्रकट होखा हमरा समक्ष आवा, जे भी बा तोहार मृत्यु निश्चित बा, हमरा समक्ष प्रकट होखा। राम, विरूपा, हम स्त्रियन पे प्रहार ना करेली।
मुल्कासुर, देख हम आ गए नी, हनुमान, देख। प्रचंडासुर, तू यही जो? दो दिन हमार माता के कृपा से तू जीवित बच गई रहले, परंतु आज तू जीवित ना बच पा। हनुमान, प्रचंडासुर पहले तो नी दोनों के वध करी, फिर विभीषण के कच्चा चबा जाई, कच्चा चबा जाई। विभीषण जी तक पहुंचे से पहले तोरा हनुमान के सामना करे के होकी। प्रभु, रहुआ मुल्कासुर के वध करी, हम ही प्रचंडासुर के देखत बानी। जय श्री राम। हनुमान, हनुमान, आ जंतों के जीवित ना छोड़ा। बानर। मूर्ख बानर, करेला। जय श्री राम। परंतु तुहारी है प्रचंडता, आज हनुमान सदा सदा खातिर समाप्त कर दी ना। आज तू हनुमान के हाथ से जीवित ना बचबा प्रचंडासुर। श्री राम।
हमरा के छपा कर दे बजरंग बली। हमरा के छपा कर दे बजरंग बली। शुक्राचार्य हमरा के इस षड्यंत्र खातिर प्रेरित कैले रहलन। हमरा के छपा कर दी। हमरा के छपा कर दी। ठीक बा। हमरा के छपा कर दी। इस बार तो हम तोरा के छपा कर देत बानी। परंतु यदि तू दोबारा लंका की ओर आंख उठा के भी देख लू ना, तो ना तो हम तोहरा के छोड़ब, ना तोहर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के, समझ लू। चलो भागो, भागो यहाँ से। मूर्ख बाड़ी, इतनो न जाने ली कि हनुमान स्त्रियन पर प्रहार ना करेलन। जय श्री राम। 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 जय लंकापति विभीषण। प्रभु महाबली हनुमान की कृपा से अब सारा असुर शक्ति समाप्त हो चुकल बा। अब कौनो असुर शक्ति लंका पर आक्रमण करे के साहस न करी हन। रवा धन्यवानी प्रभु, रवा धन्यवानी बजरंग बली। जय श्री राम। ई कोना प्रकार संभव भेल मा रक्त चामुंडा का विष्णु के अवतार राम और रुद्र अवतार हनुमान के सम्मुख दोहरो शक्ति क्षीण हो गई माँ। एक कोना प्रकार भइल कि तोहार कृपा से उत्पन्न महान राक्षस मुल्कासुर युद्ध में मारल गईल और तू कुछ ना कर सकलो। एक कैसे संभव भइल माँ, कोना प्रकार। जय श्री राम। पाप और पुण्य की विजय यह प्रकार हो खेला। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ई प्रकार आश्चर्य से ना देखी। अब राव चामुंडा देवी अन्याय के पक्ष से हटके न्याय के पक्ष में आ गई बाड़ी। अब ये आतंक फैलावे वालन के और निर्दोष लोगन के हत्या करे वालन के साथ कदापि न दी है। हनुमान, हम माँ चामुंडा के प्रसन्न करके और आसुरी शक्ति उत्पन्न करा। उनकरो परिणाम इहे हो कि जे मुल्कासुर के भइल बा। हे माँ चामुंडा, तू कब तक एह प्रकार हमार तिरस्कार देखत रहबो। ई तिरस्कार ना देवी के न्याय बा दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवी के न्याय। यदि देवी राउर भक्ति और साधना से प्रसन्न होके ओकर फल देवेली तो ओकर दुरुपयोग के प्रतिफल भी प्रदान करी है। रउआ देवी से सदैव का मांगनी, रउआ सदैव देवी से दमनकारी दानव प्राप्त कैले बानी जे अन्याय और अत्याचार के सिवा कुछ न करेलन। और देखी देते गुरु, देख लेनी एकर परिणाम का भइल। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अब अपन सारा दुष्कृत्य के भूल के भगवान शिव के शरण में जाई और अपन सारा पाप के प्रायश्चित करी।
कदापि ना। राक्षस गुरु के नाते आपन कर्तव्य पूरा करत रहा। आपन प्रचंड तपोबल से ऐसन भयंकर राक्षस उत्पन्न करब कि तीनों लोक में हाहाकार मचाए हनुमान। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारे एगो प्रश्न के उत्तर दी, कर हुआ भगवान शिव के आपन आराध्य माने ली या अवश्य माने नी? तो फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य, रुआ के यो पता होगी कि भगवान श्री स्वयं ही संकेत धीले बड़न लंकेश्वर रावण के मृत्यु के पश्चात कोनो असुर मानव अथवा देवता के विरुद्ध सफल ना हो पाई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, काहे रुआ व्यर्थ में परिश्रम करके असुर के आत्मा के कष्ट पहुंचात बानी? रुआ बार बार दैत्यन के उत्पन्न करेली और वो बेचारा बिना मृत्यु के मारल जाएले। का रुआ जैसन महान आचार्य खातिर ई बात शोभा देवेला ना? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ई रुआ के शोभा ना देवेला, ना देवेला। दैत्य गुरु, रुद्र अवतार हनुमान रउआ से विनती करत बा कि रउआ ही व्यर्थ के अनर्थ के रोग दी। हम भली भांति जानत आनी कि रउआ भी बार बार असुर लोक के प्रकट कर कर के थक चुकल बानी। हमार बात मान ली दैत्य गुरु, कौनो एकांत में जाके भगवान शिव के तपस्या करी और सारा पिछला अपराध के क्षमा करके रउआ के सदगति प्रदान करी है। हाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भगवान शिव भोलेनाथ बालन और रउआ के सदबुद्धि दी है और रउआ के सदगति प्रदान करी है। रउआ भगवान शिव की आराधना करी, रुद्रावतार हनुमान रउआ से याचना करत बा दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि रउआ भगवान शिव के तपस्या करी, भगवान शिव के तपस्या करी, हमरा साथे कही ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, का बात बा स्वामी? रवा का सोचत बानी? रवा हमार प्रश्न के उत्तर ना देत बानी स्वामी? रवा कहाँ खो गई नी? हाँ? कहीं ना और मिला? अवश्य ही कौनो व्यक्तिगत समस्या बा जे रवा हमरा के ना बतावे चाहे नी। ऐसा कोनो बात नहीं खोर मिला, तू तो व्यर्थ चिंता करे लागे लू। अर्धांगिनी बानी ना, स्वामी की चिंता के कारण चलने बिना हमरा के चैन कैसे मिली? हम हनुमान खातिर व्यग्र बानी और मिला। हनुमान खातिर काहे? हनुमान हमके बिना कुछ बतावले कहीं चल गए बाड़न और मिला। परंतु हनुमान तो श्री राम के चरण के सेवक बाड़न नाथ, उनका खातिर रवा का है चिंतित बानी। भैया राम भी अपन कक्ष में नहीं खनूर मिला, वो दोनों ही कोनो विशेष प्रयोजन से बाहर निकले बाड़न। यदि दोनों साथ बाड़न तो रवा की चिंता की कौन बात बानाथ? चिंता ही बा कि हनुमान हमके बिना कुछ बतावले कहीं चल गए बाड़न और मिला। वो हमार सखा बाड़न, हमार परम मित्र और हमार प्राणदाता। परंतु हमने के प्रणय के क्षण में भी वो बाड़े ही इतना अद्भुत और मिला। रवा ना लागेला रवा हमरा साथे अन्याय करत बानी? काहे? अब देखी ना, श्री राम भैया हनुमान के हो गएलन, सीता दीदी हनुमान के हो गएलिन और अब रवो हनुमान के हो गएनी। हमरा खातिर तो केहू बाचल ही ना। अब
तो ऐसा काहे सोचत बाड़ उर्मिला? तू हनुमान से ईर्ष्या करत बाड़ू जे 14 वर्ष के वनवास में हमनी के सहायक बनलन। वो हनुमान जिनकर सहायता से हमने सीता भाभी के पता लगाईनी, वो हनुमान जी अशोक वाटिका में जाके राक्षसन के मर्दन करके रावण के भयभीत कर देलन और ओकर सोना के लंका में आग लगा देलन। पूरा के पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा के ले आइल बानी। विभीषण जी, रुआ के तो औषधि के पहचान बा, रुआ तुरंत जाए और औषधि ढूंढ के लाए और भ्राता लक्ष्मण के सुध में लाए। तू धन्य बाड़ा हनुमान, हम अभी औषधि लेके आई नहीं। भ्राता, भ्राता लक्ष्मण, अब तो रुआ सुध में आ जाए। हनुमान प्रभु, चिंता की कोनो आवश्यकता नहीं है, भ्राता लक्ष्मण शीघ्र ही पहले के समान स्वस्थ हो जाइए। वीर लक्ष्मण के भ्राता। सैनिक, सैनिक आवा, द्वार तोड़ दा। आई रावण, मही रावण, यदि तोनी दोनों द्वार तोड़े के चेष्टा कैला तई पाताल देवी तोनी दोनों के बलि ले ली। ना, ई कोनो मायावी ही बा। भैया प्रभु, शीघ्र उठी, तोड़ दा। आवो, शीघ्र तोड़ दा, तोड़ दा, तोड़ दा, तोड़ा द्वार। आवो, आवो, शीघ्र आवो, 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 शीघ्र आवो, तोड़ दा। और हम सीता भाभी के लेके सकुशल अयोध्या लौटनी। वो हनुमान के महानता देखा और मिला, वो आपन महानता भूल के, आपन सब कुछ त्याग के भैया राम के चरण में चल अइलन। ऐसन परम भक्त, ऐसन परम मित्र कौनो एक को क्षण खातिर आपन हक से दूर ना कर सकेला। ओ हमके बिना बतावले कहियो जालन ही ना। भैया लक्ष्मण, हनुमान, भैया लक्ष्मण, भैया हनुमान, तू कहाँ चल गए रहला हनुमान? भैया ये तो हम रहुआ के बतावे की आयल बानी, मित्र विभीषण के लंका पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा उत्पन्न राक्षस आक्रमण कर देले रहलन। हम ओहिजा पर शिव के आदेश से प्रभु श्री राम के लेके शीघ्र पहुँचनी। फिर का भैया हनुमान? भैया होके के कार है, प्रभु श्री राम के कृपा से सारा असुर के अंत हो गई और लंका पर पुनः मित्र विभीषण के राज्य स्थापित हो गई। देखलू उर्मिला, हम तोरा से का कहले रानी, हनुमान जहवा बा विजय ओहिजे बा। तू सचमुच संकट मोचन बड़ा हनुमान। भाभी क्षमा करी, हम ये सब कुछ भैया लक्ष्मण के बतौले बिना ना रह सकत रानी। अब यही से इस समय रावण शयन कक्ष में आ गई नी। जय श्री राम।
जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय राम, जय हनुमान, जय हनुमान। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आर्य, विवाह के पश्चात हमनी लोग संपूर्ण तीर्थ यात्रा कर लेनी, परंतु एक बात हमरा समझ में ना आई। ओ का शिप्रा? रघुआ केवल जय श्री राम और जय हनुमान के मंत्र जाप करत रहनी, का रघुआ के और कौनो मंत्र याद नहीं किए? हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेनी है, सब वेद उपनिषद तथा पुराण हमरा कंठस्थ बा। तो केवल श्री राम और हनुमान के मंत्र के जाप का है? यही से कि प्रभु राम और हनुमान के नाम से बढ़ के कौनो और मंत्र हमके आनंदित ना करेला। तो का ईश्वर के नाम केवल आनंद खातिर लेवल जाला? देखा, जहाँ आनंद बा वो जे परमानंद बा, और जहाँ परमानंद वो जे प्रभु। बस यह मंत्र में हमके प्रभु के दर्शन हो खेला प्रिय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। देखत बड़ो तू लोग, चार महीना तक राम राज्य में रह के अब हमनी मृगान के राज्य में प्रवेश करत बानी, परंतु मन ई करत बा कि राम राज्य में ही रही। राम राज्य में रह के हमनी के मन कितना बदल गई बा त्रोटक भैया। ऐसा लागत बा कि जैसे हमनी के पिछला सारा पाप धुल गई बा, परंतु मृगान के राज्य में प्रवेश करत डर लागेला, कहियो हमनी फिर से पाप में लिप्त ना हो जाई। हम यह सोचत रहनी चंदन, परंतु परंतु का भैया? साधु बन के भिक्षा पर जीवित रहल ई अब हमने के शोभा ना देबे। तका फिर से डाकू बने के विचार बा भैया? डाकू बन के निर्दोष लोगन के हत्या करल भी तो उचित नहीं के। तू सत्य कहत बाड़ा, अब हमने डाकू ना बनाओ, परिश्रम के कमाई करब। बोला जय सिया राम, 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 जय सिया राम।